देखो मैं तुम सबका दर्द समझ सकता हूँ कि ये लास्ट के मोमेंट में तुम लोग जितना इनपुट डाल रहे हो उस हिसाब से आउटपुट नहीं मिल रहा। फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे, एग्जाम के बारे में सोच के टेंशन हो रहा है। ये सब बहुत नॉर्मल है, सिर्फ तुम लोग के साथ नहीं सारे एस्पिरेंट्स के साथ हो रहा है। मैं इस वीडियो में तुम लोग को चार पॉइंट्स बोलता हूँ और अगर तुम इन चारों को रिलीजियसली फॉलो कर लिए लास्ट के 25 डेज में तो तुम लोग बहुत हद तक कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि तुम लोग एडवांस एकदम फोड़ के आने वाले हो। जेई एडवांस 2023 देने वाले सभी एस्पिरेंट्स को आदित्य अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। ये जो प्रिपरेशन का लास्ट लैप होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि आपको क्या रैंक मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बोलूँगा जिनका आपको इस आखिरी के दिनों में खास ध्यान रखना है ताकि आप सब एडवांस में एकदम मचा के आ सको। सबसे पहला पॉइंट, आज से आप सबको बॉडी ट्रेनिंग अच्छे से चालू कर देना है। इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी टास्क 9 से 12 एंड 2 से 5 ये दो स्लॉट्स में सबको पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप लेट भी उठते हो तो मेरे भाई थोड़ा ही दिन बचा, अब थोड़ा अपना शेड्यूल को चेंज करो और ट्राई करो जितना मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो इन स्लॉट्स में आप प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, देखो आप लोग सबको ट्राई करना है कि जिस दिन आप एग्जाम लिखने जाओ उस दिन आपका माइंड आपके बॉडी के साथ अच्छे से अलाइंड हो इस टाइम पीरियड में। तो आप लोग सबको इस टाइम पीरियड में अच्छे से अपने ब्रेन को चलाना है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। लंच हमेशा लाइट करना ताकि 2 से 5 वाले स्लॉट में आपको डिजीनेस फील ना हो। बिलीव मी, ये आपको इमेंसली बेनिफिट करेगा और आपको एग्जाम डे में खुद रियलाइज होगा कि कितना आप बेनिफिट हुए हो इस एक पॉइंट को फॉलो करके। दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, अभी भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड है इस चीज को लेकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। मेरे भाई अगर कुछ समझ नहीं आता मैं तेरे को सबसे बेस्ट सोर्स बताता हूँ, लास्ट 10 ईयर PYQs उठा उसका एक एक क्वेश्चन आंसर निकालने तक खुद से सॉल्व करना, चाहे एक अप्रोच में हो, दो अप्रोच में हो, तीन अप्रोच में हो, फर्क नहीं पड़ता, पर एक एक क्वेश्चन तो खुद सॉल्व करना। बस तो अगर इतना भी शिद्दत से कर लेगा लास्ट 10 ईयर PYQs तब भी बहुत है एंड ये मतलब इतना कॉन्फिडेंस तेरे को मिल जाएगा कि तू एडवांस आराम से फोड़ सकता है। तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का प्रॉब्लम है कि उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते। देखो ये चीज बहुत नॉर्मल है, एडवांस के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं इसलिए जनरली इजीली नहीं बनते। तुम लोग को इसको कैसे टैकल करना है, सबसे सिंपल चीज बोलता हूँ, जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओ एक लर्निंग माइंडसेट लेके जाना कि इस बार जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ूंगा इससे कुछ नया सीख के जाऊंगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड और अगर नहीं होता है तो नो प्रॉब्लम। अब ट्राई करना उसका अप्रोच सीखने का ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वैसा क्वेश्चन है आप उसे इजीली सॉल्व कर लो। एडवांस बस यही चेक करते हैं कि आप कितना अच्छे से अप्रोच कर सकते हो, तो इसलिए अपना अप्रोच को स्ट्रांगर और स्ट्रांगर बनाने का चेष्टा करो। आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, लेस इज मोर फॉर जेई एडवांस्ड। देखो अगर आप एडवांस के दिन 70% पेपर भी 80% एक्यूरेसी के साथ अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तब भी आपका अंडर 2000 रैंक गारंटीड है। तो इसलिए पूरा सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागो, जो आपका मीडियम और स्ट्रांग चैप्टर्स है बस उसी को ही सुपर स्ट्रांग करने का चेष्टा करो और वीक अगर कुछ नहीं समझ आता है तो छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। आप कम सिलेबस करो बट उसको इतने अच्छे से कर लो कि एडवांस में उसका क्वेश्चन बन जाए। देखो मैं तुम सबका दर्द समझ सकता हूँ, पिछले साल मैं भी तुम्हारे ही पोजीशन पर था। मैं ये जानता हूँ कि ये जो फेज है प्रिपरेशन का बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है एंड कभी कभी बहुत डिप्रेसिंग भी होता है, बट बिलीव मी अभी जो तुम मेहनत करोगे यही तुम्हें और स्ट्रांग एंड और बोल्ड बनाएगा जिंदगी में। तो इसलिए ज़्यादा मत सोचो, बस मेहनत करते रहो एंड खुद पर भरोसा रखो, आप सब जरूर एडवांस फोड़ोगे। तो गाइस इतना ही था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड डू चेक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ यू वांट द बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी मेंटरशिप कोर्सेज फ्रॉम आवर साइड। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।